तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आईसीएच मैनिया को कंटिन्यू रखते हुए आज अपना डिस्कशन का टॉपिक है वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीड्योर टेक्स्ट एंड द मेथोडोलॉजी Q2 R1। इस गाइडलाइन में जो भी अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हुए थे वो तीन रेगुलेटरी बॉडीज ने किए थे। एक था ईसी, दैट इज यूरोपियन काउंसिल, दूसरा था जापान और तीसरा था यूएस एफडीए। तो ये तीनों रेगुलेटरी बॉडीज ने इसका फाइनल अमेंडमेंट को भेजा था आईसीएच के पास, जो कि बाद में अप्रूव हुआ और इसका 2005 में फाइनली गाइडलाइन के अंदर इंक्लूड हुआ। तो आगे देखते हैं कि ये गाइडलाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वैलिडेशन ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसीड्योर इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट इज सुटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। मतलब क्या है कि जिस पर्पस के लिए वैलिडेशन करना है उस पर्पस के लिए जितने भी एनालिटिकल प्रोसीड्योर होंगे वो सारा उसके लिए सुटेबल होंगे कि नहीं, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अ टेबुलर समराइजेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेबल टू द आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड एस ए प्रोसीड्योर इज इंक्लूडेड। मतलब इस गाइडलाइन में एक टेबुलर फॉर्म में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन दिया हुआ है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज और ऐसे क्या प्रोसीड्योर किया रहेगा, वो इस गाइडलाइन में इंक्लूड किया गया है। अदर एनालिटिकल प्रोसीड्योर्स में बी कंसीडर्ड इन द फ्यूचर एडिशंस टू दिस डॉक्यूमेंट। बोले फ्यूचर में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट इसमें इंक्लूड किया जा सकता है जो कि ना अदर एनालिटिकल प्रोसीड्योर्स हो सकता है। अभी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीड्योर टू बी वैलिडेटेड, कौन कौन सा ऐसा टाइप है जिसको जो एनालिटिकल प्रोसीड्योर को हम लोगों को वैलिडेट करना चाहिए। इस गाइडलाइन में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। पहला तो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, दूसरा है कि क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी कंटेंट, तीसरा है लिमिट टेस्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज, चौथा है कि क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ द एक्टिव मॉइटी इन द सैंपल ऑफ द ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट्स और अदर सिलेक्टेड कॉम्पोनेंट्स इन द ड्रग प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, अभी एक चीज बोल रहे हैं कि टिपिकल वैलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक वैलिडेशन का टिपिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इट शुड बी कंसीडर्ड एज, उसमें क्या क्या कंसीडरेशन रहेगा। पहले रहेगा एक्यूरेसी, आगे रहेगा प्रिसिशन। प्रिसिशन में बोल रहे हैं कि रिपीटेबिलिटी, इंटरमीडिएट प्रिसिशन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, स्पेसिफिसिटी, डिटेक्शन लिमिट, क्वांटिटेशन लिमिट, लिनियरिटी और रेंज, इतना पैरामीटर्स रहेंगे। फर्दर मोर रीवैलिडेशंस मे बी नेसेसरी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। आगे और भी एक चीज बोल रहा है कि रीवैलिडेशंस हम लोगों को करना है किस किस सिचुएशन में, वो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया है। जैसे कि चेंजेस इन द सिंथेसिस ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, अगर ड्रग सब्सटेंस को सिंथेसिस करने का प्रोसीड्योर में ही चेंज हो गया तो आपको वैलिडेशन तो करना पड़ेगा। चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, अगर आपका जो फिनिश प्रोडक्ट आप बना रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो फिनिश प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसी का कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया तो रिवैलिडेशन जरूर करना पड़ेगा। चेंजेस इन द एनालिटिकल प्रोसीड्योर, जिस एनालिटिकल प्रोसीड्योर से आप टेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो आपका सारा एनालिटिकल प्रोसीड्योर अगर चेंज हो गया तो आपको तो वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो ये तीन जो है बेसिक क्राइटेरिया है फॉर रीवैलिडेशन एक्टिविटी। अभी आगे चलते हुए कुछ अपना इंपॉर्टेंट चीजें है जिसको देख लेते हैं। ग्लोसरी में सबसे पहले है एनालिटिकल प्रोसीड्योर। एनालिटिकल प्रोसीड्योर क्या है आइए देख लेते हैं। एनालिटिकल प्रोसीड्योर, द एनालिटिकल प्रोसीड्योर रेफर टू द वे ऑफ परफॉर्मिंग द एनालिसिस, मतलब एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए जो तरीका है वही है एनालिटिकल प्रोसीड्योर।
is to describe the details, steps necessary to perform the analytical test. एनालिटिकल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो भी डिटेल्स स्टेप्स रहेंगे प्रोसीड्योर्स रहेंगे वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे. दिस मे इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू सैंपल द रेफरेंस स्टैंडर्ड द रिएजेंट प्रिपरेशन द यूज ऑफ द एपरेटस द जेनरेशन ऑफ कैलिब्रेशन कर्व द यूज ऑफ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन एटसेट्रा. तो मतलब क्या है कि एक टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें रहेंगे. एक जो है कि सैंपल उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन का प्रोसीड्योर उसका रिएजेंट कैसे बनाया जाएगा उसको टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या अपैरेटस चाहिए कैसे अपना कैलिब्रेशन कर्व का जनरेशन किया जाएगा और कौन सा फॉर्मूला में उसके लास्ट में टेस्ट हो जाने के बाद कैलकुलेशन किए जाएंगे ये सारा जो है एनालिटिकल प्रोसीड्योर में इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें रहना पड़ेगा एनालिटिकल प्रोसीड्योर में. अभी आगे चलते हैं देखते हैं स्पेसिफिसिटी क्या है. स्पेसिफिसिटी इज द एबिलिटी टू एक्सेस अनइक्विवोकली द एनालाइट इन द प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच मे बी एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट. मतलब क्या है कि ये बोल रहे हैं स्पेसिफिसिटी उसका एक एबिलिटी है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि एक एनालाइट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट में प्रेजेंट है उस एनालाइट प्रेजेंट है कि नहीं वो देखने का तरीका है टेक्निक है वो है स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी में जो मेनली आता है वो है आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. जैसे कि आइडेंटिफिकेशन टू एंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ द एनालाइट मतलब वो एनालाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इंक्लूड किया गया है. प्यूरिटी क्या है टू एंश्योर दैट द ऑल एनालिटिकल प्रोसीड्योर परफॉर्म्ड allow an accurate statement of the content of impurities of an analyte that is related substance test heavy metal residual solvent content etc. अभी देखते हैं आगे ऐसे ऐसे क्या है ऐसे में content भी आता है potency भी आता है. To provide an exact results मतलब क्या है ऐसे में हमेशा हम लोग एग्जैक्टनेस के बारे में बात करते हैं. द एग्जैक्ट रिजल्ट्स व्हिच अलाउज एन एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ द कंटेंट और पोटेंसी ऑफ द एनालाइट इन अ सैंपल मतलब एक सैंपल में एग्जैक्ट अमाउंट का कितना उसका कंटेंट है या फिर कितना उसका पोटेंसी है उसको जानने का जो टेक्निक है वो है ऐसे. अभी आगे चलते हुए देखते हैं एक्यूरेसी क्या है. The accuracy of an analytical procedure express the closeness of the agreement between the value which is accepted either as a conventional true value or an accepted reference value and the value found. So simply agar accuracy ko explain karenge to kya hoga ki it is an analytical procedure which express the closeness agreement between the value. मतलब जितने भी वैल्यू रहेंगे उस वैल्यू का कितना क्लोजली एग्रीगेटेड है आपस में कितने एग्रीमेंट कितना है वो देखते हैं. दैट इज द कॉन्वेंशनल मतलब इट्स मे बी द कॉन्वेंशनल ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू. एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू भी हो सकते हैं और जो वैल्यू आपको टेस्ट करके मिला है वो भी हो सकता है. तो मतलब क्या है इसको ट्रूनेस भी बोलते हैं. एक्यूरेसी को इसलिए ट्रूनेस भी डिस्क्राइब किया जाता है. अभी देखते हैं प्रिसेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल वैलिडेशंस में. द प्रिसेशन ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसीड्योर एक्सप्रेस द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट मतलब इसमें क्या होगा मल्टीपल सीरीज ऑफ मेजरमेंट होगा ऑब्टेंड फ्रॉम मल्टीपल सैंपलिंग ऑफ द सेम होमोजेनियस सैंपल मतलब एक अपना जो होमोजेनियस सैंपल है उसी होमोजेनियस सैंपल से हम लोग मल्टीपल सैंपलिंग करेंगे मतलब अलग अलग सैंपलिंग करेंगे उसी होमोजेनियस सैंपल से अंडर प्रेस्क्राइब कंडीशन मतलब कुछ प्रेस्क्राइब कंडीशंस रहेंगे वो आगे देखते हैं क्या रहेगा. प्रिसेशन मे बी कंसीडर्ड एज अ थ्री लेवल दैट इज रिपीटेबिलिटी इंटरमीडिएट प्रिसेशन एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. प्रिसेशन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग होमोजेनियस ऑथेंटिक सैंपल. प्रिसेशन करने के लिए आपके पास होमोजेनियस ऑथेंटिक सैंपल होना पड़ेगा. हाउएवर इफ इट इज नॉट पॉसिबल अगर आपके पास ये पॉसिबल नहीं कि आपके पास होमोजेनियस या ऑथेंटिक सैंपल हो देन ऑब्टेन अ होमोजेनियस सैंपल
इट मे बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग आर्टिफिशियली प्रिपेयर सैंपल। अगर आप आर्टिफिशियली सैंपल को बनाते हो, प्रिपेयर करते हो और सैंपल सॉल्यूशन को आप प्रिपेयर करते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। द प्रिसिशन ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसीड्योर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट। मतलब यहाँ पे हम लोग सीरीज ऑफ मेजरमेंट की बात बोल रहे हैं हर बार। ये बहुत ही इम्फोसाइज फोकस्ड पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पे प्रिसिशन में क्या देखते हैं, सीरीज ऑफ मेजरमेंट वैल्यूज। तो सीरीज जहां पे रहेंगे तो वहां पे हम लोग वेरियंस को देखना चाहते हैं, हम लोग वहां का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, हम लोग वहां का रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ये सब के ऊपर हम लोग फोकस करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी एक्सप्रेसेस द प्रिसिशन अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशन। अगर आपका ऑपरेटिंग कंडीशन सेम रहा ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आपका इंटरवल ऑफ टाइम अगर शॉर्ट होना जरूरी है रिपीटेबिलिटी में। रिपीटेबिलिटी इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंट्रा एसे प्रिसिशन, इसीलिए इसको इंट्रा एसे प्रिसिशन भी बोला जाता है। इंटरमीडिएट प्रिसिशन चलिए देखते हैं। इंटरमीडिएट प्रिसिशन एक्सप्रेसेस विद इन द लेबोरेटरी वेरिएशन, मतलब एक ही लेबोरेटरी के अंदर कितना वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि ये कैसे चेक करेंगे, डिफरेंट डे अलग अलग दिन में। पहले हम लोग बोले थे रिपीटेबिलिटी में शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आपको, मतलब उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही शॉर्ट इंटरवल में आपको अलग अलग सैंपल बनाना चाहिए था, बना के आपको टेस्ट करना एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, हम लोग इंटरमीडिएट प्रिसिशन को देखना चाह रहे हैं, हम लोग डिफरेंस को देखना चाहते हैं। तो हम लोग अलग अलग दिन पे एग्जीक्यूट करेंगे, हम लोग अलग 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 एनालिस्ट के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब आज मान लीजिए ए एनालिस्ट ने एक टेस्ट को एग्जीक्यूट किया, सेम टेस्ट को बी एनालिस्ट कल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, तो अलग अलग एनालिस्ट के ऊपर कर सकते हैं। और डिफरेंट इक्विपमेंट की भी हम लोग इंटरमीडिएट प्रिसिशन देखते हैं, इक्विपमेंट चेंज करके भी उसका इंटरमीडिएट प्रिसिशन देखा जाता है। नाउ सबसे लास्ट में आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक्सप्रेसेस द प्रिसिशन बिटवीन लेबोरेटरीज, मतलब एक ही लेबोरेटरी में नहीं, अभी अलग अलग लेबोरेटरी की बातें बोला जा रहे हैं, मतलब कोलैबोरेटिव स्टडीज। जैसे कि यूजुअली अप्लाई टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथोडोलॉजी, एक मेथड को मैं स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं, तो मेरा एक लैबोरेटरी, मेरा ए मान लीजिए ए लैबोरेटरी में मैं एक टेस्ट को एग्जीक्यूट किया, एक एनालिटिकल मेथड को डेवलप किया, उसी मेथड को मैं अलग एक लैबोरेटरी में जाके ए से लेके बी में गया या सी में गया या डी में गया, वहां पे भी हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके देखा एनालिटिकल मेथड, और उसका बीच में कितना वेरिएशन है उसको देखने का तरीका जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिसिशन, दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अभी आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं डिटेक्शन लिमिट क्या है। डिटेक्शन लिमिट, द डिटेक्शन लिमिट ऑफ एन इंडिविजुअल एनालिटिकल प्रोसीड्योर इज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द एनालाइट इन अ सैंपल व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बट नॉट नेसेसरली क्वांटिफाइड एज एन एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब क्या है कि मेरा जो भी एनालिटिकल प्रोसीड्योर डेवलप्ड होगा उसमें मेरा मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनालाइट डिटेक्ट होना चाहिए। उसका क्वांटिफिकेशन से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको क्वांटिटी में बता पाऊंगा कि कितना क्वांटिटी में, बट इट शुड बी डिटेक्टेड, और वो भी लोएस्ट अमाउंट ऑफ द एनालाइट को डिटेक्ट करने का जो प्रोसीड्योर होगा वो होगा डिटेक्शन लिमिट। अभी देखते हैं क्वांटिटेशन लिमिट। क्वांटिटेशन लिमिट है देन द क्वांटिटेशन लिमिट ऑफ एन इंडिविजुअल एनालिटिकल प्रोसीड्योर इज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द एनालाइट इन अ सैंपल व्हिच कैन बी क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड With suitable precision and accuracy। तो आगे हम लोगों ने बोल दिया कि precision और accuracy तो क्या है बता ही चुके हैं, तो इसमें उसका suitability भी maintain होना पड़ेगा, जो भी analyte है वो minimum quantity में उसको हम लोगों को detection होना पड़ेगा। तो हम लोग जो भी analytical procedure develop करेंगे उसमें analytes का minimum quantity में detection होने का जो तरीका होगा वो होगा quantitation limit। अभी चलिए देखते हैं लिनियरिटी क्या है। द लिनियरिटी ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसीड्योर इज द एबिलिटी टू ऑब्टेन द टेस्ट रिजल्ट्स व्हिच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इन द सैंपल। तो ये बहुत ही इजी है टू अंडरस्टैंड। मतलब क्या है कि मेरा एक एनालाइट, मान लीजिए एक सैंपल सॉल्यूशन में एक एनालाइट है जिसको हम लोग मतलब डिटेक्ट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो लिनियरिटी में हम लोग क्या देखेंगे, लिनियरिटी में अपना एक एनालिटिकल प्रोसीड्योर ऐसा है
जो इस प्रोसीड्योर का एक एबिलिटी होगा टू ऑब्टेन द टेस्ट सैंपल विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, वैसे उसका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्ट करने के बाद उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, और उसका प्लॉट करने के बाद देखेंगे whether it is linear or not. तो वो बोल रहे कि उसको ऑप्टेन करने का जो टेक्निक है that is linearity. अभी देखते हैं रेंज. द रेंज ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसीड्योर इज द इंटरवल बिटवीन द अपर एंड द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो अपर का कॉन्सेंट्रेशन है और जो लोअर का कॉन्सेंट्रेशन है उसका बीच में इंटरवल कितना है उसको हम लोग देखना चाहते हैं. ऑफ द एनालिटिकल इन द सैंपल फॉर व्हिच इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एनालिटिकल प्रोसीड्योर हैज अ सुइटेबल लेवल ऑफ प्रिसिशन एक्यूरेसी एंड लिनियरिटी, मतलब इसकी केस में वो अपना सुटेबल प्रिसिशन एक्यूरेसी और लिनियरिटी तीनों ही मेंटेन करके उसका अपर लिमिट कितना हम लोगों ने डिसाइड कर पा रहे, उसका लोअर लिमिट कितना डिसाइड कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड इट्स रेंज. अभी देखते हैं रोबस्टनेस क्या है. द रोबस्टनेस ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसीड्योर, एक एनालिटिकल प्रोसीड्योर का रोबस्टनेस ये है, इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू रिमेन अनएफेक्टेड बाय स्मॉल बट डिलीवरेट वेरिएशंस इन द मेथड पैरामीटर्स. मेथड पैरामीटर में अगर छोटा सा भी चेंज हम लोगों ने किया जिसमें वो एनालिटिकल प्रोसीड्योर अनएफेक्टेड रहेगा, मतलब एनालिटिकल प्रोसीड्योर में ऐसा चेंजेस नहीं होगा कि थोड़ा सा चेंज करने से वो पूरा चेंज हो जाएगा, दैट इज एंड द प्रोसीड्योर एंड इंडिकेशंस ऑफ इट्स रिलायबिलिटी ड्यूरिंग द नॉर्मल रेंज, मतलब प्रोसीड्योर कितना रिलायबल है वो मालूम चलता है. रोबस्टनेस, अगर आपका एनालिटिकल प्रोसीड्योर रोबस्ट होगा तो आपका मेथड में थोड़ा बहुत चेंज करने से, थोड़ा सभी चेंज करने से वो अनएफेक्टेड रहेगा. इट शुड बी दिस द कैपेसिटी टू रिमेन अनएफेक्टेड, दिस इज कॉल्ड रोबस्टनेस. चलिए आगे चलते हैं, आगे इसका डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. ओके, अभी हम लोग आ गए हैं लिनियरिटी पे. लिनियरिटी पे बोल रहे फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिनियरिटी अ मिनिमम ऑफ 5 कॉन्सेंट्रेशन इज रिकमेंडेड, मतलब लिनियर में तभी मानूंगा जब मैं एटलीस्ट 5 कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मैं अपना एनालिटिकल मेथड को एग्जीक्यूट करूंगा. 5 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे मुझे टेस्ट को मेथड को डेवलप करना पड़ेगा, और 5 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में एग्जीक्यूट करूंगा तो उसका वैल्यू जो आएगा उसको प्लॉटिंग करके मैं बता पाऊंगा whether it is linear or not. अभी देखते हैं रेंज में. रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिया गया है जो थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, जैसे कि फॉर एन एसे ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस और अ फिनिश ड्रग प्रोडक्ट नॉर्मली From 80 to 120% of the test concentration. For content of uniformity, covering a minimum of 70 to 130% of the test concentrations, unless a wider, more appropriate range based on the nature of the dose form is justified. For dissolution testing, a plus minus 20% of the over specified range. If the specifications of the controlled release product cover a range from 20% after 1 hour up to 90% after 24 hours, then the validated range should be 0 to 110% of the label claim. तो ये तीनों चीजें को ओवरऑली एक्सप्लेन करके उन्होंने बोला है, अगर आपको 20% variations एक घंटे में होता है और 24 hours बाद आपको 90% variations मिलता है, देन आपका वैलिडेटेड जो प्रोसीड्योर रहेगा वो 0 to 110% ऑफ द लेवल क्लेम होना चाहिए.
अभी देखते हैं एक्यूरेसी. एक्यूरेसी शुड बी एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीड्योर. एक्यूरेसी शुड बी एक्सेस्ड यूजिंग अ मिनिमम ऑफ 9 डिटर्मिनेशंस ओवर अ मिनिमम ऑफ 3 कॉन्सेंट्रेशन लेवल कवरिंग द स्पेसिफाइड रेंज. 3 कॉन्सेंट्रेशंस, 3 रेप्लिकेट ईच ऑफ द टोटल एनालिटिकल प्रोसीड्योर. ये बोल रहे एक्यूरेसी का टेक्निक. एक्यूरेसी शुड बी रिपोर्टेड एज ए परसेंट ऑफ रिकवरी. एक्यूरेसी आपको परसेंट ऑफ रिकवरी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा बाय द एसे ऑफ द नोन एडेड अमाउंट ऑफ द एनालाइट इन द सैंपल और एज अ डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू टूगेदर विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल. ये बोल रहे हैं एक्यूरेसी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अभी चलिए देखते हैं प्रिसिशन. प्रिसिशन में बोल रहे हैं वैलिडेशन ऑफ द टेस्ट फॉर एसे एंड द क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ इंप्यूरिटीज इंक्लूड एंड इन्वेस्टिगेशन. प्रिसिशन अ मिनिमम ऑफ 9 डिटर्मिनेशन कवरिंग द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ द प्रोसीड्योर एग्जाम्पल 3 कॉन्सेंट्रेशन 3 एप्लीकेट ईच. एक टेक्निक हो सकता है प्रिसिशन के लिए, दैट इज रिपीटेबिलिटी के लिए बोल रहे हैं अभी. दूसरा है कि अ मिनिमम ऑफ 6 डिटर्मिनेशन एट द 100% ऑफ द टेस्ट कॉन्सेंट्रेशन. तो आपका मिनिमम 9 डिटर्मिनेशन कवरिंग द स्पेसिफाइड रेंज, जो भी स्पेसिफाइड रेंज है आपका, उस टोटल स्पेसिफाइड रेंज में आपका 9 डिटर्मिनेशन कवरिंग कवर करना चाहिए. उसमें क्या बोल रहे हैं, 3 कॉन्सेंट्रेशन को आपको पकड़ना है और उसमें 3-3 रेप्लिकेट्स टेस्ट एग्जीक्यूट करना है. ये एक टेक्निक हो गया. सेकेंड टेक्निक बोल रहे हैं मिनिमम ऑफ 6 डिटर्मिनेशन, आपको 6 बार डिटरमाइन करना पड़ेगा एट 100% ऑफ द टेस्ट कॉन्सेंट्रेशन. 100% टेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में आपको 6 टाइम्स टेस्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. ये हो सकता है सेकेंड आपका रिपीटेबिलिटी. अभी देखते हैं इंटरमीडिएट प्रिसिशन. टिपिकली वेरिएशन टू बी स्टडीड इंक्लूड डेज एनालिसिस इक्विपमेंट एनालिस्ट. इट इज नॉट कंसीडर्ड नेसेसरी टू स्टडी दिस इफेक्ट इंडिविजुअली. मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसे इंडिविजुअली आपको स्टडी करने का कोई जरूरत नहीं है. द यूज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज एनकरेज्ड. आपको अपने हिसाब से आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल रहे हैं. आप अपना अपना मैट्रिक्स खुद प्रिपेयर करिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करिए. ये उनका रिकमेंडेशन है. अभी देखते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी. रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज एक्सेस्ड बाय द मींस ऑफ इंटर लेबोरेटरी ट्रायल. इंटर लेबोरेटरी में जो ट्रायल होगा वो होगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी. रिप्रोड्यूसिबिलिटी शुड बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीड्योर. जहां पे आप एनालिटिकल प्रोसीड्योर को स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो, उसकी केस में रिप्रोड्यूसिबिलिटी को कंसिडर किया जाएगा. फॉर एन इंस्टेंस, जिसके लिए जैसे एग्जाम्पल क्या बोल रहे, फॉर इंक्लूजन ऑफ द प्रोसीड्योर इन फार्माकोपिया. फार्माकोपिया में कुछ एक नया प्रोसीड्योर को मुझे इंक्लूड करना है, तो उसकी केस में मुझे रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखना पड़ेगा. दिस डेटा आर नॉट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग ऑथोराइजेशन और डोजियर. ये जो डेटा होगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी डेटा निकल के आएगा, ये अपना कोई मार्केटिंग ऑथोराइजेशन और डोजियर के लिए रिकॉर्ड नहीं है. अभी देखते हैं रिकमेंडेड द स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स शुड बी रिपोर्टेड फॉर ईच टाइप ऑफ द प्रिसिशन. अच्छा, प्रिसिशन के लिए आपको क्या क्या कैसे आपको कौन सा आपको पैरामीटर्स होगा वो होगा, आपको क्या क्या चीजें देखना है. स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज आरएसडी एंड कोएफिशिएंट इंटरवल, ये आपको देखना पड़ेगा. अभी आगे चलते हुए देखते हैं डिटेक्शन. डिटेक्शन में डिटेक्ट कैसे करना है. डिटेक्शन में बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द विजुअल एग्जामिनेशन. विजुअल एग्जामिनेशन में बी यूज्ड फॉर नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स बट मे ऑल्सो बी यूज्ड विथ इंस्ट्रूमेंटल मेथड. विजुअल एग्जामिनेशन में आप नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में आप यूज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल मेथड में भी विजुअल इवैल्यूएशन हो सकता है. द डिटेक्शन लिमिट इज डिटरमाइंड बाय द एनालिसिस ऑफ सैंपल्स with known concentration of the analyte and by establishing the minimum level at which the analyte can be reliably detected. अच्छा, दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन द
सिग्नल टू नॉइज. दिस अप्रोच कैन बी ओनली अप्लाई टू द एनालिटिकल प्रोसीड्योर व्हिच एग्जिबिट बेसलाइन नॉइज. डिटर्मिनेशन ऑफ द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज परफॉर्म्ड बाय कंपेयरिंग द मेजर्ड सिग्नल्स फ्रॉम द सैंपल्स विथ नोन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट with those of the blank sample and establishing a minimum concentration at which the analyte can be reliably detected. A signal to noise ratio between 3 or 2:1 is generally considered acceptable for establishing detection limit. Abhi aage chalte hai, teesra dekhte hai, based on the standard deviations of the response and slope. Abhi standard deviations ke liye kya bol rahe hai, detection limit. डिटेक्शन लिमिट दैट इज डी एल इज इक्वल टू 3.3 सिग्मा बाई एस फॉर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रेस्पॉन्स एंड एस इज द स्लोप ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व. चौथा है बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ब्लैंक मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनालिटिकल बैकग्राउंड रेस्पॉन्स इज परफॉर्म्ड बाय एनालाइजिंग एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द ब्लैंक सैंपल and calculating the standard deviations of the response based on the calibration curve. A specific calibration curve should be studied using sample containing the analyte in its detection limit. आगे चलते हैं क्वान्टिफिकेशन की ओर. क्वान्टिफिकेशन में बेस्ट क्या बोल रहे हैं, क्वान्टिफिकेशन में चेंजेस जो है वो यहां पे बोल रहे हैं. टिपिकल सिग्नल टू नॉइज रेशियो शुड बी 10:1, जो पहले था 2:1 अभी हो गया 10:1. तो बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द रिस्पॉन्स एंड स्लोप में चलते हैं, वहां पे देखते हैं क्यू एल शुड बी 10 सिग्मा बाई एस फॉर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द रिस्पॉन्स एस इज द स्लोप ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व. आगे चलते हुए देखते हैं रोबस्टनेस में. द इवेल्युएशन ऑफ द रोबस्टनेस शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज एंड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोसीड्योर अंडर स्टडी. इट शुड शो रिलायबिलिटी ऑफ एन एनालिसिस विथ रेस्पेक्ट टू द डिलीबरेट वेरिएशंस इन द मेथड पैरामीटर. मतलब क्या है, इट शोज द रिलायबिलिटी ऑफ द एनालिसिस, मतलब एनालिसिस कितना रिलायबल है वो डिपेंड करता है आपका रोबस्टनेस के ऊपर विथ रेस्पेक्ट टू द डिलीबरेट वेरिएशन. आपका वेरिएशंस को कैप्चर करते हुए देखते हुए आपका मेथड पैरामीटर में जितना भी वेरिएशंस है वो वेरिएशंस को कैप्चर करते हुए आपका मेथड कितना रोबस्ट है, दैट इज कॉल्ड रोबस्टनेस. तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ टिपिकल वेरिएशंस, वेरिएशंस क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको रोबस्टनेस स्टडी करने के टाइम पे दिमाग में रखना पड़ेगा. एक जो है कि स्टेबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल सॉल्यूशंस, एनालिटिकल सॉल्यूशंस का स्टेबिलिटी कितना है, एनालिटिकल सॉल्यूशंस का स्टेबिलिटी अगर उसका सब स्टेबिलिटी से बियॉन्ड चला जाएगा तो उसका आपका स्टडी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, तो उसको इवेल्युएट करना है. दूसरा है कि एक्सट्रैक्शन टाइम, सैंपल एक्सट्रैक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. इन केस ऑफ द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल वेरिएशन शुड बी इन्फ्लुएंस ऑफ द वेरिएशंस ऑफ पीएच इन द मोबाइल फेज. जो मोबाइल फेज आपने बनाया उस मोबाइल फेज में पीएच का अगर वेरिएशन होगा तो इट शुड बी इम्पैक्ट ऑन अ टिपिकल वेरिएशन. इन्फ्लुएंस ऑफ द वेरिएशन इन द मोबाइल फेज कॉम्पोजिशन, अगर मोबाइल फेज का कॉम्पोजिशन में कुछ चेंजेस हुआ, डिफरेंस कॉलम, अगर कॉलम अलग अलग ले लिए जैसे कि डिफरेंट लॉट्स एंड सप्लायर्स, ये सब देखना है आपको ड्यूरिंग एनालिटिकल मेथड वेरिएशन. दूसरा है कि टेम्परेचर, फ्लो रेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको इट शुड बी इंपैक्ट ऑन द रोबस्टनेस स्टडी. इन केस ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी एग्जांपल्स ऑफ द टिपिकल वेरिएशंस आर डिफरेंट कॉलम्स, दैट इज डिफरेंट लॉट, सप्लायर्स, टेम्परेचर, फ्लो रेट्स एटसेट्रा. अभी देखते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्टिंग. सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी एनालिटिकल प्रोसीड्योर. मतलब मेनी अलग अलग एनालिटिकल प्रोसीड्योर का एक इंटीग्रल पार्ट है, ये करना ही है आपको. द टेस्ट आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट द इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स
analytical operations and samples to be analyzed constitute an integral system that can be evaluated as such. System suitability test parameters to be established for a particular procedure depend on the type of the procedure being validated. तो मोटा मोटी देखा जाए तो analytical test का method validations यहीं तक आता है. तो कैसे लगा दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. क्वालिटी को साथ में लेते हुए चलते रहिए. चलिए, शुभ रात्रि, सायनारा, थैंक यू वेरी मच.